स्टूडेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग, लेंथ हमें दी हुई है, लेंथ इज 1 मीटर और इसकी यूनिट पे भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि लेंथ मीटर में ही चाहिए। 0.2 mm इन डायमीटर, यहाँ पर इशू है। रेडियस मैं इससे बनाता हूँ पहले, तो 0.2/2 दैट इज 0.1 mm रेडियस आया है। रेडियस को हमें यूज़ करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, हमें रेजिस्टेंस दी हुई है 10 ओम, तो हमें इस पर फाइंड करना है रेजिस्टिविटी को, रो को निकालना है। फॉर्मूला वही, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। सबसे पहले मैं एरिया क्रॉस सेक्शन निकालता हूँ, तो एरिया क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई मैं यूज़ करता हूँ, होता हूँ जनरली 3.14। रेडियस हमें यहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, 0.1 mm है, तो मैंने आपको बताया था इसको चेंज करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, 0.1 को जो भी रेडियस है उसको 1000 से आप डिवाइड कर लीजिए, वो आ जाएगा किस में, मीटर में। तो ये बन जाएगा आपका 0.1/1000 इसका स्क्वायर। तो इसको मैंने ठीक करते हैं, तो एयर प्रोडक्शन आ जाएगा 314/100, 1/1000 और पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपका 314 इसका अपॉन 100 था ये, तो क्योंकि पॉइंट बात है 3.14 का, तो ये हो जाएगा 1/10000। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट भी मैंने हटा दिया है, तो 10 से मिटा कर लिया 1000 को, तो 1/ यहाँ पे भी 10000। टोटल आप जीरो कितने हो गए, जीरो मिल दो एक बार में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये टोटल बन गया 314/10 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, डेट इज 10 ओम, एंड रो कितना दिया हुआ है वो तो निकालना है हमें, लेंथ कितनी दी हुई है 1 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन ये रहा 314/10, तो ये ऊपर तो जाएगा 10^10। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 314 को ऊपर ले जाएंगे, 10 × 314 और 10^10 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू रो। तो ये 10^10 ऊपर जाएगा यहाँ से, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये एक्सपोनेंटिकल्स का 1/(x^n) होता है, तो क्या लिखते थे, (x^-n), तो रो इज इक्वल टू 314 और (x^(10)-10) हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बेसिस सेम है, तो 314/10 ये ऐड हो जाते हैं, बट ये प्लस 1 ये माइनस 10 है, तो -9। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको एक पॉइंट इधर के जाते हैं, पॉइंट 4 की इधर था, तो 31.4×10^-8 ओम मीटर। और ये इस तरह से हमें रेजिस्टिविटी मिल चुकी है इस मटेरियल की, जो भी मटेरियल है, जिस भी मटेरियल का ये वायर है उसकी रेजिस्टिविटी है 31.4×10^-8 ओम मीटर। तो ये ओम मीटर लिखना मत भूलिएगा क्योंकि ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है। पॉज ऑन द वीडियो एंड डोंट डन दिस पार्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, यानी कि हमें आर निकालना है। पहली बात तो हमें फाइंड आउट ही क्या करना है, आर। फिर इसमें बोल रखा है कि ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द एल्यूमिनियम केबल, ये केबल जो है, वायर जो है, ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है, जो कि लेंथ वाइज 10 किलोमीटर की है। देखिए लेंथ में प्रॉब्लम आ रखी है क्योंकि लेंथ कभी भी मिलीमीटर या मीटर, मिलीमीटर में चाहिए होती है, ऐसी किलोमीटर में नहीं चाहिए होती, हमें चाहिए होती है लेंथ मीटर में। 10 किलोमीटर को जिस तरह से यहीं के यहीं, वरना बाद में भूल जाते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 10000 मीटर। रेजिस्टिविटी दी हुई है, दैट इज रो, क्या है, 2.7×10^-8 ओम मीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है रेडियस, रेडियस की जगह से डायमीटर दिया हुआ है 2 mm, रेडियस मिल जाएगा 1 mm। अगेन यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम है, इसको चेंज करना पड़ेगा इसमें मीटर में, तो 1/1000 मीटर।
सबसे पहले एरिया क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा, बिना एरिया के रेजिस्टेंस निकल सकते क्योंकि रो आर इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास आर इज इक्वल टू रो इन टू एल ऑन ए, रो हमें है पास हमारे पास, लेंथ भी है हमारे पास, एरिया नहीं है। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं, एरिया का निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, जिसमें मैं 3.14 रेडियस है 1/1000 स्क्वायर है तो 1/1000 इसको लिख देता हूँ मैं 3.14/100 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10^6 तो मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा 3.14 × 10^6 है और दो ऑर्डर कर लो तो क्योंकि 100 means 10^2 बेसिस सेम हो जाएंगे, नीचे मिडिल का आएगा निशान है तो ये ऐड हो जाते हैं पावर्स, तो 10^8 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया क्रॉस सेक्शन, तो आर इज इक्वल टू रो इन टू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस हमें निकालनी ही थी, रो हमें दिया हुआ है 2.7 × 10^-8, लेंथ हमारे पास पड़ी हुई है 1, 2, 3, 4 तो 10^4 क्योंकि 10,000 means 10^4 और एरिया क्रॉस सेक्शन ए जो है वो है 3.14 × 10^8 ऊपर जाएगा। तो ये डिस्टेंस अब निकालने जा रहा हूँ मैं, ये बन जाएगा हमारा, देखो ये तो माइनस हो जाएंगे क्योंकि -8 + 8 है, ये तो हो जाएंगे बचेगा क्या या 8 + 12 में से 8 जाएंगे 4 ही बचेंगे, तो 2.7 × 10^4 / 3.14। यहाँ से मेरी एडवाइस ये है कि आप इसको 27 × 3.14 × 0 कर देना, नीचे 0 लगे इस पॉइंट का और इसके साथ 4 0 लगा दो, 10^4 का 4 0 1 0 1 0 कट गया ये, तो क्या बचा मेरा बचा 2700 × 3.0 = 3.14। तो अब आपको इसको काटना है, काट के इसको निकाल लेते हैं। देखिए 3.14 को अगर मैं 6 से मिडिल अगर देखता हूँ 6 × 24 और 2 आ गया 6 × 6 = 18 19 20 ठीक है चलिए ऐसे करते हैं, ऐसे वैसे काट लेते हैं 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10 2 × 7 = 14 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6 एंड 2 × 5 = 10 2 0 बराबर है। तो ऐसे करते हैं इनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो डिवाइड करने पर इसको क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे करें, यहाँ पे कर लेते हैं, इसको मिटा रहा हूँ आप कॉपी कर लीजिएगा 1,3500 एंड 157 देखो 157 है तो हो नहीं पाएगा, तो इसको मैं करता हूँ 157 को 8 से 8 × 7 = 56 5 × 40 = 45 8 × 8 = 12 तो 8 से किया 1,2,5,6 10 में से 6 गए 4 और 14 में से 5 गए 9 0 157 को 6 से करते हैं 7 × 6 = 42 4 6 × 5 = 30 और 4 = 34 6 × 6 = 9 7 × 6 = 42 तो अराउंड मतलब 6 के आसपास लेके चल रहा हूँ 942 बन रहा है इसको अराउंड 86 के आसपास बैठेगा तो 86 से कम ही रहेगा 86 अप्रॉक्स मैंने लिखा है कम ही रहेगा उससे क्योंकि यहाँ पे 942 बन रहे हैं 6 से करने पर तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 86 ओम के आसपास ये रहेगा। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट ऑन दिस पार्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर, यानी कि ए निकालना है हमें पहली बात, तो यू नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड इट्स लेंथ इज 1 मीटर, हमें लेंथ दी हुई है एल इज 1 मीटर तो इसमें कोई टेंशन नहीं है मीटर में है। इट्स रेजिस्टेंस इज 23 ओम तो आर भी ठीक है 23 ओम। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज हमें क्या दिया हुआ है 1.8 मैंने रो दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दी हुई है तो यानी कि रो ओम मीटर मीन्स रो तो 1.8 × 10^-6 ओम मीटर तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए फॉर्मूला है तो आर की जगह रेजिस्टेंस लगा देंगे
दैट इज 23, रो की जगह रेस्टिविटी लगा देंगे 1.8 इंटू 10 की पावर -6, लेंथ की जगह 1 लगा देंगे, 1 मीटर की है, और एरिया क्रॉस सेक्शन हमें निकालना है। इसको एक ऊपर के जाते हैं 1.8 इंटू 10 की पावर -6 और 23, पॉइंट उड़ा देते हैं, यह रहेगा 18/230 और 10^-6। इसमें आप देखिए बेस्ट ये रहेगा कि आप इसको 18 को डिवाइड कर लेते हैं सीधे सीधा 230 से 18 को, सर तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 0, लेकिन अभी भी छोटा है, इसको 0 लगाते हैं। अब क्या करें, 230 को 8 से करते हैं, 18 है ना, तो 8 × 3 = 16 बन रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली शायद 8 से या 7 से हो जाएगा, 0 8 3 24, 8 × 3 = 16 = 18, तो ये 8 से नहीं हो रहा है, ये तो 7 से हो रहा है, तो 23 है ना, 23 ओम, ठीक है, 8 3 24, 8 × 3 = 16 = 17, ठीक है, तो ये 6 × 7 से होगा, तो 0 7 21, 2 × 7 = 14 15 16, 0 10 में से 1 गए 9 7 में 6 गए 1, 190 आ गया, तो यहाँ पे 0 लग गया और इसको मैंने 8 से कर दिया, क्योंकि 8 से करने पे कितना था 1840 था, तो ये बन रहा है हमारे पास कितना 0.078 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10^-6 क्या मीटर स्क्वायर। तो आप अगर यहाँ पे छोड़ देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, इसको यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि दो पॉइंट्स को उठा के इधर लेके जाएंगे दो डिजिट से, यानी कि इसको अगर आप और ऐसा भी लिखते हैं 7.8, मतलब ये दो पॉइंट्स को उठा के इधर के जाएंगे, पॉइंट को दो डिजिट को छोड़ के इधर जाएगा, तो उस केस में यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो ये -8, तो 7.8 × 10^-8 मीटर स्क्वायर भी, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, आप दोनों में से किसी एक को लिख के आया ना चलेगा, ये यूनिट लिखना मत भूलना। लेकिन तो ये था टोटल आज का ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड रन दिस पार्ट ऑफ द सेशन।